हम माँ बानी, धरती माँ, सृष्टि के रचना हो गए, मनु द्वारा मानव समाज के नींव पड़ गए। भगवान विष्णु जब माता लक्ष्मी से ई कहले रहले कि ओ मानव के रचना अवश्य कैले बाड़े, मानव इतिहास की रचना के कार्य त उ स्वयं मानव पर छोड़ देले बाड़े, तब वास्तव में एकर ई अर्थ रहल कि जब तक मानव अपन विवेक के प्रयोग ना करी, अच्छा बुरा के पहचाने के शक्ति ना प्राप्त करी, तब तक उ आपन आदर्श इतिहास ना बना पाई। विवेक आपन इच्छा पर विजय के दूसर नाम बा। शक्तिशाली महाराज इहे ना कर पैले, विश्व के जीत के भी उ आपन मन से हार गईले, सुरुचि पर मोहित होके उ आपन कर्तव्य भूल गईले और महारानी सुनीति से अन्याय कर बैठले। उनकर ए भूल के का परिणाम होगी, इस सोच के हम स्वयं भयभीत बानी। ठहरी राजकुमार ध्रुव, रउआ अंदर ना जा सकेनी। काहे ना जा सकेनी, हमके पिता महाराज से मिले के बा। महाराज के आदेश बा कि अंदर केहू के भी ना आवे दिहल जाए। हम राजकुमार बानी और हमारा आदेश बा कि हमके अंदर जाए दिहल जाए। सूर्य के प्रकाश के धरती पर पहुँचे से केहू ना रोक सकेला, पिता और पुत्र के बीच में केहू ना आ सकेला। हम महाराज के आदेश के अनदेखी ना कर सकेनी। और राजकुमार के आदेश के अनदेखी कर सकेला। यदि हम रउआ के जाए दीनी ता महाराज हमके दंड दी है। यदि तू हमके रोकला तो हम तोहके दंड देहब। महाराज के दंड से हम तोहके बचाए, परंतु हमरा दंड से तोहके केहू न बचा सकेला। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। बदल गनी पिताश्री, विश्वास ही नहीं के होकत। हमरा और इतना लाडला बेटा रानी कितना प्यार करत रानी रउआ हमसे, और आज रउआ सामने हमरा के धिक्कारल गई और रउआ चुप रहनी। जब रउआ युद्ध से लौटत रानी तो सीधा माता श्री के लगे जात रानी, और अब की बार रउआ उनसे मिले भी ना गई नी, ऐसन काहे बा पिताश्री? महाराज से का पूछत बड़ा, जाके अपन माता से पूछ कि महाराज अब ओकर लगे काहे ना आवेले। रउआ भी तो माता बानी, रउआ ही बता दे ही ना। हम तो तोहर छोट माता बानी। माता छोट बड़ ना होकेले, माता तो बस माता होकेले। रउआ स्वयं के छोट काहे कहेनी? तो सुनो, तोहर माता की दिन बीत चुकल बा, महाराज के वो भिखारन में कौनो रुचि नहीं खे। हमार माता भिखारन नहीं की, वो राजभवन के महारानी बाड़ी। महारानी रहली उ, अब नहीं खे महारानी। महाराज उस स्थानों से छीन के हमके दे देले बाड़े, और जो स्थान तोहर रहल वो अब हमार पुत्र उत्तम के बा, समझला? उत्तम हमार छोट भाई बा, ओके जितना मिली हमके उतने हर्ष होकी। हम और कुछ नहीं की चाहत, बस पिताश्री के प्यार चाहतनी, उनकर गोद में बैठल चाहतनी। गोद में बैठे के इतना इच्छा रहल तो तोहके हमार कोख से जन्म लेवे के चाहत रहल। बाकी एमे तो हमार कोनो दोष नहीं के माता। दोष तोहर ना, तोहर माता के बा। पिताश्री, महाराज तोहर कोनो सहायता ना कर सकेला, अब तो भगवान ही तोहके महाराज के गोद में बैठा सकेले। जा, जाके भगवान विष्णु के तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगला जन्म में तोहके हमार कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठे के योग्य बनावे। खोली परम श्रेष्ठ, देखी कितना अन्याय हो रहल बा। सुरुचि कितना निर्ममता से ओ नन्हा सा बालक के हृदय तोड़ देहलस। देख रहल बानी महादेवी,
देख रहल बानी फिर भी मौन बानी, यह तो तानपाद भी करत रहल। हम तो देवलोक के बानी, हम में ई साधारण मानवीय भावना ना होके के चाहत रहल, किंतु ध्रुव के संगे हो रहल ई दुर्व्यवहार के देख के हमार भी मन भर आइल बा। राउर मन ऐसे भर आइल बा देवी कि रउआ स्वरूप में नारी बानी और हर नारी में एगो माता छिपल हो खेली। दया करुणा और ममता नारी के विशेषता बा। नारी तो सुरुचि भी बिया त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं है होखत कि इतना सुंदर नारी के मन इतना कठोर भी हो सकेला। हर वस्तु जौन चमकेला उ कुंदन ना हो खेला देवी। आवश्यक नहीं खे कि हर सुंदर स्त्री के मन भी कोमल होखे। सुरुचि लालसा की मूर्ति बिया, परंतु ध्रुव के संगे जे कुछ भी हो रहल बा ओमे सब दोष सुरुचि के नहीं खे। सबसे बड़ दोषी तो महाराज उत्तानपाद बाड़े। परिवार मानव समाज के सबसे छोट किंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई बा। हम पृथ्वी पर रहे वालन खातिर कुछ नियम देले बानी और ओकरा अनुसार एगो पिता परिवार के स्वामी हो खेला। पुत्र के प्यार दिहल ओकर संरक्षण कई पिता के कर्तव्य बा। परंतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि के सुंदरता पर मोहित होके आपन कर्तव्य से मुंह मोड़ रहल बाड़े देवी। एगो पिता ब्रह्मा भी हो खेला और विष्णु भी। उ जन्म भी देवेला और पुत्र के पालन पोषण भी करेला। उत्तानपाद ब्रह्मा के धर्म तो निभवले, परंतु हमार धर्म ना निभा पावले। तो फिर अब का होगी नारायण? मानव स्वभाव में संघर्ष के शक्ति भरले बानी हम। ध्रुव के भी हम यही शक्ति से संपन्न कैले बानी देवी। किंतु हे सर्वश्रेष्ठ, ध्रुव तो अभी बहुते छोट बा, ओमे संघर्ष शक्ति होके भी तो वो ओके प्रयोग कैसे करी? देवी, संघर्ष के संबंध आयु से नहीं खे, इच्छा शक्ति और मन के लगन से हो खेला। भड़कत ज्वाला पहले छोट सा चिंगारी ही हो खेला। ध्रुव भी एगो छोट सा चिंगारी के समान बा। यदि ओके भड़कत ज्वाला बने के बा तो ओके स्वयं शक्ति के पहचाने के होगी। रघुआ स्वामी बानी, विश्वेश्वर बानी, रघुआ जे कहेनी ओकर भेद भी खाली रउए जानेनी। ऐसे हम तोके वहां जाए से रोकत रहनी। हम जानत रहनी कि तू महाराज से मिले जयबा त दुख लेके ही लौटबा। रानी सुरुचि के मन में हमने खातिर जलन और घृणा के सिवा और कुछ भी नहीं खे। छोट माता जौन कहले हमके ओकर दुख नहीं खे माँ, दुख तो ई बात के बा पिताश्री भी बस चुप रहले, उ छोट माँ के रोकले भी ना। उ केवल हमके भूल गयल होखते तो हमके इतना दुख ना होखत। दुख तो ए बात के बा कि वो अपन पिता के धर्म के पालन नहीं कर पा रहल। पिता और पुत्र के बीच में आवे वाली ऊ के होखेली? रवा तो कहत रहनी कि पिता के प्रेम पर पुत्र के जन्म सिद्ध अधिकार होखेला। होखेला पुत्र, अवश्य होखेला। ठीक वही प्रकार जौन प्रकार सूरज के धूप पर धरती के अधिकार होखेला। किंतु कबो कबो काला घटा ऐसे सूरज के धूप और धरती के बीच आ जाले जिसे सूरज के धूप धरती तक ना पहुंच पावेला। रानी सुरुचि भी ऊ काला घटा बाड़ी जे पिता के प्रेम के पुत्र तक पहुंचे से रोक रखले बाड़ी। हम तो उनकर बहुत आदर करत रहनी, बाकी ऊ रउआ के भिखारन कहली तो हमके बहुत बुरा लागल। आश्चर्य तो ई बा कि पिताश्री ए पर भी कुछ ना बोलले। भूल जा पुत्र, भूल जा ये बात के। कुछ विष स्वाद में मीठा होखेला, किंतु होखेला तो विष ही ना। महाराज पर ही भेद एक दिन अवश्य खुल जाए कि रानी सुरुचि एगो मधुर विष बाड़ी। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करत बानी
कि महाराज के आँख खुल जाए। भगवान विष्णु छोटकी माँ भी यह नाम लेत रहली कि हमके पिताश्री के गोद में बैठे के अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकेले। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तका वो आपन गोद में भी बैठे के अधिकार दिला सकेले। वो महाराजन के महाराज बाड़े, सम्राटन के सम्राट बाड़े, परम बलवान सर्वशक्तिमान बाड़े। पुत्र तू देख बा वो कैसन लागेले। हाँ आवा आवा। प्रणाम करा बेटा। ई बाड़े हमने के विष्णु भगवान लक्ष्मीपति नारायण जिनकर हम नित दिन पूजा करेनी। हम भगवान विष्णु के लगे जाइब माता। चल जइहा पुत्र, अभी तू छोट बाड़ा, बड़ हो जाए के बाद अवश्य चल जइहा उनका लगे। वो सब ठीक कर दी हैं, रात्रि हो गई बा, चला चल के सो जाए जाए। सब विष्णु भगवान पर छोड़ दा, वो सब ठीक कर दी हैं। चल जाए, चला। चली महाराज? अभी तक महारानी सुनीति से ना मिलनी, वो हमार राह देखा तो किहन। जानत रहनी हम, जानत रहनी कि राउर सब बात झूठ बा, राउर प्यार भी एगो दिखावा बा। कौन बात झूठ रहल? इहे कि सुरुचि तोहर लगे आके हम सारा संसार के भूल जानी। सब झूठ, संसार तका रवा एगो नारी के ना भूल पाऊनी, रह रह के ओकर प्रेम राउर मन के बांध ले ल। हमसे तब बस चार घड़ी के ही प्रेम बार रवा के। ई बात नहीं खे सुरुचि, तू अच्छा तरह से जाना ताड़ू कि हम तो के कितना प्रेम करेनी। प्रेम ना करत होखती तो महारानी सुनीति के अधिकार तोके कैसे देती? परंतु यह राजमहल में कुछ तस्तिर तबाउन कर और फिर ध्रुव के साथे भी। का भाई ध्रुव के संगे? हम तो कुछ ना कही नहीं, बस ओके बता देनी कि अब ओकर और ओकर माता के का स्थान बा, और इस स्थान रउवा हमके और हमार पुत्र के स्वयं अपने इच्छा से और अपन मन से देले बानी। तो फिर का भाई जोन हम बता देनी? का हम झूठ बोल ले रहनी? ना, झूठ ना बोल ले रहलो, जौन भी कहलो सत्य ही कहलो। परंतु ये आवश्यक तो नहीं खे कि सत्य कठोरता से ही कहल जाए, सत्य कोमल और सहज ढंग से भी कहल जा सकेला। सुरुचि, ध्रुव एगो बच्चा बा, ओकरा प्रति ऐसन कठोरता। रवो बात मत बनाई, खुल के कही ना कि अब पहला पत्नी और ओकर पुत्र के मोह रवा से दबावल नहीं खे दबत, उनसे मिले उनके लगे जाए के इच्छा राउर मन में अंगड़ाई ले रहल बा, और सुनीति से दूरी अब रउवा से सहन नहीं हो पा रहल। ते जाई, तुरंत जाई ना। हमार भाग्य में तो अकेल रहले लिखल बा, अब हम रउवा के ना रोकब, चल जाई। और हम बानी भी के रउवा के रोके वाला। अरे ये का रउवा तो अकारण रोए लगे। अकारण जहर पर रउवा लगे रहे के चाहत हो के ओके छोड़ के रहुआ जाए तो रोआ लाई। अच्छा चली, रहुआ जितनी हम हरनी, अब रहुआ के छोड़ के हम कहीं ना जाब।
महाराज तो हर कोनो सहायता ना कर सकेला। अब तो भगवान ही तोहके महाराज के गोद में बैठा सकेले। जा जाके भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगला जन्म में तोहके हमार कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठे के योग्य बनावे। महाराजन के महाराज बाड़े, सम्राटन के सम्राट बाड़े, परम बलवान सर्वशक्तिमान बाड़े। तू देखबा वो कैसन लागेले। ई बाड़े हमने के विष्णु भगवान लक्ष्मीपति नारायण, जिनकर हम नित्यदिन पूजा करेनी। महाराज की गोद तक का वो आपन गोद में भी बैठे के अधिकार दिला सकेले। हे विष्णु भगवान, हम रवा से मिले आ रहल बानी। बाकी हमके ई तो पता नहीं के कि रवा कहाँ रहनी। बाकी रवा जहाँ भी रहनी हम रवा के ढूंढ निकालब। हमार बस एगो बिनती बा, हमार माता नित दिन और पूजा करेली, हमरा जाए के बाद उनकर ध्यान रखब। हम दोनों एक दूसरा से कबो अलग नहीं की भाई, वो हमके लगे ना पाके व्याकुल हो जाई हैं। उनका ढाढ़स बधाई प्रभु, उनकी रोए मत देहा। रवा के सुतल छोड़ के जा रहल बानी, क्षमा कर दे अब हमके। रवा जागत होती तो हमके कबो ना जा देती। बाकी देखी हमके ना पाके व्याकुल मत हो खब। हम भगवान विष्णु के ढूंढे जा रहल बानी, उहे राउर खोल स्थान दिले है और हमके भी। हम भगवान विष्णु के मूर्ति से कह देले बानी कि वो राउर ध्यान रखे। हमके विदा दी माता, हमके विदा दी। प्रभु देखी, नन्हा ध्रुव रात्रि के अंधेरा में राजभवन के छोड़ के राउर खोज में निकल गई बा। हाँ देवी, वो आपन मन के लगन के दबा ना पाईले। परंतु हे सर्वव्यापी, वो तक क्षीर सागर के मार्ग भी नहीं खे जानत। देवी, एगो यात्री खातिर सबसे कठिन क्षण ऊ हो खेला जब वो कोनो अनजान यात्रा के उद्देश्य से मार्ग पर प्रथम पग धरेला। फिर त मार्ग में सहस्र घना पेड़ मिल जाले जे ओकर पैर तले शीतल छांव बिछावे खातिर तैयार रहेले। फिर मार्गदर्शक भी मिल जाला और मार्गदर्शक तक गुरु हो खेला देवी। परंतु हे सर्वश्रेष्ठ, उता भी एगो बालक बा, ओके ई यात्रा में कितना दुख झेले के पड़े। महादेवी, बूंद जब कोनो मेघ के गोद से निकले ले तो ओकर मन में असंख्य आशंका हो खेला। सोचेले कि ओकर अंत का होखी, काऊ कोनो मरुस्थल के सुलगत रेत पर गिरी और सूख जाई, या कोनो सुलगत अंगार पर गिरी और भस्म हो जाई, या फिर कोनो कांटा पर गिरी और ओकर शरीर छलनी हो जाई। का होखी ओकर अंत? परंतु जब वो कोनो सीप के मुख में गिरे ले और मोती बन जाले, तब ओके ज्ञान हो खेला कि ओकर यात्रा शुभ रहल। राउर बात रउवे जानी परमेश्वर, किंतु आज्ञा होके था एगो बात कही।
रउआ तो हमार अर्धांगिनी बानी। हमसे कुछ कहे खातिर रउआ के हमार अनुमति और आज्ञा की आवश्यकता नहीं है देवी। कहीं अवश्य कहीं। जदि ध्रुव पर राह में कोई संकट आए तो हम चुप ना रहब। हम एक खेल में कूद पड़ब और रउआ हमके रोकब मत। ना रोकब, परंतु एगो बात के ध्यान तो रउओ के रखे की होगी। कौन सा बात? कि नियम के बनावे वाला स्वयं ओके तोड़ल ना करेले। हम समझ नहीं ना त्रिलोकीनाथ। मानव के भाग्य विधाता ब्रह्मा बाड़े। रउआ ब्रह्मा के लिखल के बदले के चेष्टा मत करब देवी। ध्रुव हमके ढूंढत आ रहल बा और ये राह में ओपर उहे बीती जौन ब्रह्मा ओकर भाग्य में लिख देले बाड़े। ऊ हम तक पहुंच पाई कि ना ई त केवल ब्रह्मा ही जाने। परंतु एह बालक खातिर राउर मन में इतना स्नेह काहे उमड़ रहल बा देवी। हम नइखे जानत प्रभु, बाकी ना जाने काहे ऐसन लागेला जैसन ध्रुव हमरी ही संतान होखे। इतना महान स्थान दे देनी रउआ ओके। काहे काउ ए स्थान के योग्य नइखे? इतना छोटा सा आयु में इतना बड़ निर्णय, इतना दृढ़ निश्चय, ई सब महानता के लक्षण नइखे त और का बा? ओके आपन महानता सिद्ध त कर लेवे दी। अवश्य, परंतु ध्रुव पर यदि कौनो संकट आए तो हम सह ना कर पाई। आइसन कब तक चली दलनायक जी? कहे का भइल? का भइल? अरे इतना दिन हो गेल कौनो यजमान हाथ ना आए। यदि इहे दशा रही ते हमनी भूखे मर जाए। बात तो तू ठीक कहत बड़ा मित्र, बाकी कैल का जाए। लागत बा यात्री मार्ग ही भूल गेल बने। इतना लोगन के लुटले बानी हमनी कि यात्री एहर से आयल गेल ही छोड़ देले बाड़े। अरे ऊ देखा, अरे शिकार आ गए। वन देवता सुन ले हले हमनी के। कौनो बालक बा, केहू भी होखे, लागत धनी बा, सारा शरीर गहना से ढकल बा, गहना छीन के ठिकाने लगा दिहल जाई। गहना छीने तक तो ठीक बा, बाकी इतना छोट बालक के मारा पति मारल गई बा तोहार। यदि कोनो राजकुमार भइल त एके छोड़ दिहल गई तो जाके राजा के सेना ले आई और हमनी सब चुन चुन के मार दिहल जाई। चला लोग। हमनी के डाकू बानी। डाकू? का चाहत बानी रउआ लोग? तोहार आभूषण, अपन आभूषण उतार के हमनी के दे दा। ले ली ही, केवल हमके एगो बात बता दी ही। का बात? हम अपन सब आभूषण रउआ के दे दे हब, बाकी हमके खाली ही बता दी कि भगवान विष्णु कहाँ रहेले। भगवान विष्णु? हाँ हाँ, उनसे मिलल चाहत बानी। रउआ के तो पता हो की वो कहाँ रहेले। हाँ काहे ना काहे ना, हमनी के तोहके जरूर उनका लगे ले चला। बाकी पहले ही अपन आभूषण हमके दे दा। आवा हमनी के संगे। चलो चलो आओ आओ। यहाँ से तो सीधा विष्णु के लगे पहुंच जी बा। Yeah.
मार डाला एके, मार डाला। मारा। सांप के ढूंढा, वो बालक के भी ढूंढा, वो देखा है। सांप के ढूंढा, वो बालक के भी ढूंढा। पुत्र रवा के बानी माता। तू तो माता कह के स्वयं ही बता देले कि हम के बानी, अब हम का बताएं। समझ ले तो हर माता ही बानी। ये लोग के का भाई? इनके एकर कैला के दंड मिल गए। ई लुटेरा रहले और तो के मार डालल चाहत रहले, परंतु ई बतावा इतना रात्रि के तू कहाँ जात रहले? हम भगवान विष्णु से मिले जा रहल बानी। हमार माना ता तू घर लौट जा, अभी तू बहुत छोट बाड़ा। हाँ, मुनगरा से मिले बिना घरे ना जाई। अच्छा, अब रात्रि बहुत बीत चुकल बा, भोर होत ही ढूंढ ली हाँ अपन भगवान विष्णु के। रउआ के पता बा कि भगवान विष्णु कहाँ रहले? हमके उनसे मिले के मार्ग बता दी, राउर बहुत कृपा होखी। हमार वश में होखत तो के ले जाके उनका गोद में बैठा देती, किंतु हम विवश पानी। सुना पुत्र, तू थक गई होके, तनिक विश्राम कर ला। विश्राम तो हम अपन भगवान विष्णु से मिले के पश्चात ही करब। बड़ा हठी बाड़ा तू। Thank you.
आई महादेवी, आई। आज तो रउआ हमके भी अचरज में डाल देहनी। अचरज में? और वो भी रउआ के मायापति? हमार कौन बात से रउआ के आश्चर्य भाई? शीतल जल यदि दहकत अग्नि बन जाए, चंद्रमा ठंडा चांदनी के स्थान पर यदि तपत धूप छिटकावे लागे, पुष्प के कोमल पंखुड़ी यदि धारदार कटार बन जाए तो आश्चर्य ना होखी देवी। आपन पुजारियन पर धन के वर्षा करे वाली देवी के जब हम ध्रुव के शत्रुअन पर विष के वर्षा करत देखनी तो हमके भी कौतूहल भई। हम का करती नारायण, हमसे रहल ना गई। वो हत्यारा यदि ध्रुव के प्राण ले लेत तो हम स्वयं के कबो क्षमा ना कर पवती। रउआ जानत बानी ना, वो हत्यारा ध्रुव के प्राण ले लीहल चाहत रहले। जानत बानी, भली भांति जानत बानी, और कुछ और भी जानत बानी। का? यह कि हो सकेला कि विधाता ध्रुव के भाग्य में ऐसे मरल लिखले ही ना होखे। ओकर भाग्य में ई लिखल होखे कि रउआ ओकर प्राण के रक्षा करब और आपन ममता मई हाथ से ओके थपकी देके सुलाई। काहे कि देवी होखे ल तो है जौन भाग्य में लिखल बा। हम नहीं खे जानत, बाकियों बालक के देख के हमार मन में ममता के सागर उमड़े लागेला। नारायण, ओ कितना लगन से रउआ के ढूंढ रहल बा, रउआ स्वयं जाके ओके अपन दर्शन काहे नहीं खे देत। हम विधाता के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सकेनी देवी, विधाता के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सकेनी। ध्रुव के उस सब मिली जौन ओकर भाग्य में लिखल बा। राउर लाडला अब जागे वाला होखी, धरती पर भोर होखे वाला बा। भोर होखा देख के हमार मन कांप रहल बा। काहे देवी, कौना कारण? भोर होखे और सुनीति अपन लाल के ना पावलस तो ओकर का दशा होखी, ओ तो दुख से पागल हो जाई। देख ले बाडू। हमने तो राउर कक्ष के बाहर निकला थी ना देखनी। तो जा, जाके ओके लेके आवा। हमार हृदय व्याकुल होकर जा रहल बा। जा। महाराज ध्रुव के अवश्य ढूंढ निकली हैं। हाँ, हमके महाराज के लगी जाए के चाहिए। हमके महाराज के लगे जाए के चाहे। क्षमा करी महारानी, किंतु रवा महाराज से ना मिली तो अच्छा बा। ना मिली उनका से? काहे ना मिली उनका से? पता ना रवा से मिली है भी या ना मिली है। रानी सुरुचि भी उनकरा लगे उनका कक्ष में बाड़ी। रानी सुरुचि रवा से ना मिले दी है तो रवा के दुख होखी। संतान के खो जाए से बड़ा दुख और का हो सकेला? ऐसे बड़ा दुख हमके केहू और का दे सकेला? महाराज ध्रुव के पिता बाड़े, हमके उनसे मिले के चाहिए। महाराज, महाराज,
महाराज। महाराज। महारानी सुनीति, का बात मा, का भेल? महाराज, हमार पुत्र ध्रुव। का भेल ध्रुव के? बहुत बड़ा अनर्थ हो गई। ना जाने कहाँ चल गेल हमार पुत्र, ना जाने कहाँ चल गेल ध्रुव। चल गेल? कहाँ चल गेल? कहाँ चल गेल होखी? अरे यह कहीं राजभवन में खेल रहल होखी। दासी राजभवन के कोना कोना छान मरले बिया, ओकर कहीं पता ना चलल। महाराज रुवाओ के ढूंढ निकाली, ना तो हम रो रो के अपन प्राण दे दे। महारानी सुनीति, महाराजो के कहाँ ढूंढिए? राउर पुत्र रउवा लगे रहल, महाराज के का पता कि वो कहाँ होखी। महाराज हमार सब कुछ छीन ली, किंतु हमार लाल हमके लौटा दी। एगो ओही के तो सहारा रहल हमके, ओही के मुख देख देख के हम जियत रहनी। धीरज रखी महारानी सुनीति। कैसे धीरज रखी, कैसे धीरज रखी? वो कहले रहल कि वो भगवान विष्णु से मिलल चाहत बा। हम समझनी कि वो बचपना में कह रहल बा। भगवान विष्णु से मिले? हाँ, रवा से मिले के पश्चात वो बहुत उदास हो गल रहल, ना जाने कहाँ कहाँ भटकत हो कि वो। यदि वो हमके ना मिलल ना, तो हम रवा के कब्बो क्षमा ना करब। हम रवा के कब्बो क्षमा ना करब। हम रवा के कब्बो क्षमा ना करब। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति मूर्छित हो गई बाड़ी। जल्दी से जल लेके आवा। रउआ के दिखावे खातिर ढोंग कर रहल बिया, ये सब आडंबर बा। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, दासी जल्दी से जल लेके आवा। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, ध्रुव, ध्रुव, पुत्र ध्रुव। रोई मत महारानी, रोई मत। वो भगवान विष्णु से मिले के हट करत रहल, हमके का पता रहल कि उस वय में चल जाए। घबराई मत महारानी, वो चल भी गई बा तो बहुत दूर तक ना गई होखी। रउआ अपन कक्ष में जाए, हम तुरंत ही अपन सैनिक सबके ध्रुव के ढूंढे खातिर भेजा था। सैनिकन के भेजबा, स्वयं ना जाइबा अपन पुत्र के ढूंढे। पिताश्री रउआ, बाकी तू कैसे जाइबा? जे स्वयं मोह के राह में भटक रहल होखे, वो केहू के का ढूंढी? हाथ मत लगावा हमार चरण के, तू ये योग्य नहीं खे। तू ता योग्य भी नहीं खे कि हम तोहके आपन पुत्र कह के पुकारी। ओ मनु के पुत्र, जे आचरण के आदर्श बनौलस, जे राज धर्म के जन्म देहलस, ओकर संतान के ऐसन पतन, बेकार बातों पर, जेकर नाम पर धरती वासी स्वयं के मानव कह के धन्य हो खेले। हम ता राज काज और परिवार के भार तुहार हाथ सौंप के संतुष्ट भैल रहनी। बाकी कदाचित, कदाचित ही हमार भूल रहल, तू एकर योग्य न रहला। परंतु पिताश्री, हम राज काज के कार्य संभाले में कोनो भूल तो नहीं थी कहली। हमार प्रजा हमसे प्रसन्न बा। तोहार प्रजा तो उसे प्रसन्न भी है, और ई नारी का ई तोहार प्रजा नहीं खे, केवल ऐसे कहे कि तोहार पत्नी बनल स्वीकार कर लेलस, का ई न्याय के वो अधिकार से वंचित हो गई जौन प्रजा के प्राप्त हो खेला? का ई तोहसे प्रसन्न भी है? का अपराध कैले रहल है जौन ए गुणवंती के अधिकार छीन के तू उ गुणहीन के दे देलस? का तुहार पुत्र तुहार प्रजा नहीं खे, जेकर अपमान देख के भी तू चुप रहला?
और केवल आज तुहार कारण वो अनजान राह में भटक रहल बा। हमसे भूल हो गल पिताश्री। भूल? भूल मान लेबे से भूल के दुष्परिणाम के अंत ना हो खेला। भूल सुधार चाहे ले, बाकी होकर सब संभावना तू समाप्त कर देले बाड़ा। पौत्र ध्रुव, तुहार घर छोड़ के जा चुकल बा, तुहार परिवार में असंतोष बा, और जे परिवार के संतुष्ट ना कर सकल वो असंघ के प्रजा के का संतुष्ट करी। जैसे एगो छोटा सा परिवार न संभालल गईल वो इतना बड़ राज्य के का संभाली। बेकार बातों पर सारा विश्व जीत के भी एगो नारी के सुंदरता से पराजित हो गईल। हम संपूर्ण राज्य के बागडोर तुहार हाथ सौंप ले रहनी, परंतु तू वो बागडोर अपन दूसर पत्नी के सौंप दियला और कठपुतली के भांति तू ओकर अंगुरी के संकेत के दास बनल बैठल बाड़ा। हमके क्षमा कर दे पिताश्री। क्षमा? प्रजा अपराध करे ता ओके क्षमा कैल जा सकेला, परंतु राजा अपराध करे ता ओके क्षमा ना कैल जा सकेला। राजा के अपराध अपराध ना पाप होखेला, और पाप खातिर क्षमा ना प्रायश्चित के दंड के आवश्यकता होखेला, और राजा के ई दंड वो स्वयं ही दे सकेला। क्षमा याचना करा अपन पत्नी सुनीति से, जेकर संगे अन्याय कैले बड़ा तू, घोर अन्याय। जौन मनु के तपस्या महाप्रलय भी भंग ना कैलस, तू अपना परिवार के संगे अन्याय करके ऊ तपस्या भंग कर देलस और हम के हिया आवे पर विवश कर देला। याद रखा उत्तानपाद, यदि पुत्र वियोग में हमार पुत्र वधु के कुछ हो गए तो तू हमार श्राप से ना बच पैबा। पिताश्री सुनी तो सही। हम कुछ नहीं के सुनल चाहत। पिताश्री, पिताश्री हम के इतना कड़ा दंड मत दे पिताश्री। बिन सोचे समझे करे कभी ना कोई काम, जैसी करनी होएगी होगा वह परिणाम। विश्व विजेता की विजय आज हुई बेकार, जीत लिया संसार को और यू।